हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल टीच यू मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला लर्न होने से पहले सबसे पहले आपको एटॉमिक मासेस ध्यान होने चाहिए। हर एक एलिमेंट की, हर एक एटम के एटॉमिक मास ध्यान होना चाहिए आपको, है ना। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर CO2, ठीक है। सबसे पहले इसके स्टेप्स क्या होते हैं आपको पता करने, कितने टाइप ऑफ एटम है यहाँ पर, कितने सी है और ओ एटम है, ठीक है ना। सी की कितने नंबर ऑफ एटम है, 1 है, और ओ के कितने नंबर ऑफ एटम है, 2 है, ठीक है ना। अब कार्बन का मास कितना होता है, 12 U। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 U। लेकिन ये एक एटम का मास कितना है, 16 U है, ठीक है ना। हमें दो एटम का मास चाहिए, इसका मतलब 32 U। तो टोटल मास कितना हो गया, 12 + 32, यानी कि 44 U। ऐसे हम मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइप ऑफ एटम पता करना है, नंबर ऑफ एटम पता करना है, फिर पर्टिकुलर एटम का मास लिख कर और कैलकुलेट कर लेना है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।